नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 24 प्लस और मैं हूं आपके साथ हनी सहगल। इस वक्त मैं मौजूद हूं गांव खिचड़ीपुर में। आज पीएम उम्मीदवार कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी जी का जन्मदिन है और यहां पर निशुल्क हेल्थ चेकअप कैंप लगाया गया है श्यामा आई हॉस्पिटल के द्वारा, जहां पर आंखों की जाँच की जा रही है। बहुत से लोग यहाँ पे आंखों की जाँच करवाने आए हैं, फ्री दवाइयाँ दी जा रही है, फ्री चश्मे बांटे जा रहे हैं और यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक अनिल कुमार जी शिरकत करेंगे। आइए दिखाते हैं आपको पूरी रिपोर्ट। मेरे साथ मौजूद हैं पूर्व विधायक कांग्रेस से अनिल कुमार जी, जिनकी देखरेख में ये कार्यक्रम काफ़ी वर्षों से चल रहा है। अनिल जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले, कितने वर्षों से ये चल रहा है? आज देखा जाए एम्स जैसे अस्पतालों में गरीबों के लिए जगह तक नहीं मिलती है, बेड नहीं मिलते हैं और अगर कोई VIP एडमिट होना हो तो फटाफट तुरंत बड़े बड़े डॉक्टर्स आ जाते हैं, उनके लिए बेड खाली हो जाते हैं। लेकिन ये आप जो कर रहे हैं, गरीबों को मुफ्त इलाज, मुफ्त दवाइयाँ, मुफ्त चश्मे, ये किस तरह से सोचा आपने और गरीबों की किस तरह से आप मदद? जैसा कि आपको मालूम है कि मैंने इस क्षेत्र को रिप्रेजेंट किया है, दो बार काउंसलर रहा, MLA रहा, तो मेरा बहुत नज़दीकी नाता है इस क्षेत्र के साथ और यहाँ की समस्याओं को लेकर। जैसे कि आपको मालूम है, आज राहुल जी का जन्मदिन है, जहाँ कार्यकर्ता राहुल जी को शुभकामनाएं देने उनके घर पहुँचे, पार्टी कार्यालय पहुँचे, वहीं पर हमारे पटपड़गंज के तमाम कार्यकर्ता, ब्लॉक अध्यक्ष और कांग्रेस परिवार ने मिलकर निर्णय लिया कि हम अपने नेता श्री राहुल गांधी जी का जन्मदिन ऐसे गरीब लोग जिनको चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पाती है या हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते हैं, जो महंगे टेस्ट हैं या कुछ ऐसी आवश्यक जानकारी है जिससे कि उनके जीवन में कुछ बदलाव आ सकता है, उसके उद्देश्य से ही हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया। और ये कार्यक्रम, जैसे आप पूछा, काफ़ी वर्षों से हम करते हैं। मैं 2002 में चुनाव जीत करके आया था, तब काउंसलर था और निरंतर कुछ ना कुछ हेल्थ के प्रोग्राम्स हमारे चलते हैं, चाहे 21 मई पर राजीव जी के शहादत दिवस पर हम ब्लड डोनेशन कैंप करते रहे हों, या राहुल जी के बर्थडे पे, या और अन्य 2 अक्टूबर जैसे। तो उनका उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तरह की सुविधाओं का लाभ ले सकें। जैसे आपने देखा है, यहाँ पे हड्डियों की जांच से लेकर दांतों की जांच है, ECG है, जनरल फिजिशियन यहाँ बैठाया है, यहाँ पे आई के टेस्ट हैं, डेंटल के टेस्ट हैं और ये ऐसे ऐसे टेस्ट हैं जिनको आदमी या ऐसे ऐसे फॉर एग्ज़ाम्पल दांतों की, कान की या आंखों की लोग जो बीमारी है उनको बहुत ही लाइटली लेते हैं और वो धीरे धीरे जो बीमारी है बहुत गंभीर रूप ले जाती है। तो हमने ये सोचा कि इस बार हम लोग इस मेगा कैंप में उन बीमारियों से संबंधित डॉक्टर को आमंत्रित करते हैं जिनको जनरली लोग हल्के मिले जाते हैं, जिन पर ध्यान नहीं देते हैं, जिनके गंभीर परिणाम उनको भुगतने पड़ते हैं। उसी उद्देश्य से आज हमने एक कैंप लगाया है और इसका सीधा सीधा मकसद है कि अपने नेता के जन्मदिन को हम पब्लिक के बीच में मनाएँ
और इससे अच्छा नहीं हो सकता कि जो आज माहौल हालात चाहे बिहार में छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों की डेथ का विषय हो, मौत का विषय हो, 150 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं, या दिल्ली के अंदर अभी देखा होगा आपने बहुत गंभीर समस्या थी, स्ट्राइक चल रही है हॉस्पिटल्स के अंदर, तो यानी कि जो हॉस्पिटल्स के अंदर स्ट्राइक भी एक संकेत है कि कितना प्रेशर हॉस्पिटल्स के ऊपर है। दिल्ली के अंदर मोहल्ला सभा के नाम पर वाहवाही लूटी जा रही है, लेकिन सच्चाई यही है कि अभी भी ना तो हॉस्पिटल्स की ओपीडी कम हुई है और ना मोहल्ला क्लिनिक के अंदर पहुंचने वाले मरीजों की संख्या कुछ बढ़ पाई। तो ये लोकल लेवल पर इस तरह के कैंप बहुत सारी धार्मिक संस्थाएँ भी करती हैं, यहाँ पे से लोग राजनीतिक दलों से जुड़ने वाले लोग भी, समाजसेवी लोग भी इस तरह के आयोजन करते हैं। तो आज मैंने श्री राहुल गांधी जी के जन्मदिन पर ही निर्णय लिया कि हम अपने क्षेत्र के लोगों को इस तरह की सुविधा प्रदान करें। जो निःशुल्क हेल्थ चेकअप कैंप आज लगाया गया अनिल नेतृत्व में, उसके बारे में क्या कहेंगे? हर वर्ष ही होता है और एम्स जैसे अस्पतालों में आज भी गरीबों को बेड नहीं दिया जाता, लेकिन हर वर्ष यहाँ पे फ्री आई चेकअप कैंप लगाया जाता है, फ्री चश्मे दिए जाते हैं, डेंटल का अलग सुविधा थी, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जैसा आपने प्रश्न पूछा हनी जी, पिछले तकरीबन विगत 5 वर्षों से हम ये मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन इस कार्यालय पर कर रहे हैं, विधायक जी के कार्यालय पर, और ख़ासतौर से राहुल गांधी जी की बर्थडे को हम इसको एक गरीब लोगों के लिए, ज़रूरतमंद लोगों के लिए एक उनको फ़ायदा पहुँचे उसके उपलक्ष्य में हम इसको बनाते हैं। इस मेगा हेल्थ कैंप में आँख के मरीजों की पूरी जाँच की गई, उसके बाद हमारी एक डेंटल डिवीजन थी जिन्होंने ज़रूरतमंद लोगों के दांतों की जाँच की है, फिर हमारे एक बोन डिपार्टमेंट के लोग थे, उन्होंने हड्डियों की जाँच की है, फिर एक धर्मशाला हॉस्पिटल से हमारे साथ लोग जुड़े थे फिजिशियन, उन्होंने लोगों के स्वास्थ्य की भी जांच की है। और तकरीबन ये मान के चलिए कि आज 350 मरीज यहाँ आए और उन्होंने एक चिकित्सा का लाभ उठाया जो यहाँ मिल रहा है। तकरीबन 100 मरीजों को फ्री चश्मे वितरित किए और कुछ लोगों को दवाई भी दी। सर, जिस तरह से यहाँ के जितने भी पेशेंट हैं उनकी परेशानियों को, समस्याओं को सुनकर श्यामा आई हॉस्पिटल में रिकमेंड किया जा रहा है, तो श्यामा आई हॉस्पिटल में जब लोग जाएंगे उनको किस प्रकार की सुविधा दी जाएगी, किस तरह से उनको ट्रीटमेंट किया जाएगा? यहाँ जितने लोगों का जो हमने चिकित्सा व्यवस्था मुहैया कराई है, अगर उसमें जो कोई कमी रह गई है या हमें कोई सुपर स्पेशलिटी व्यवस्था की ज़रूरत है, उसके लिए हमने उनको श्यामा आई हॉस्पिटल पे रेफ़र किया है, जहाँ किसी भी तरीके का उनसे कंसल्टेशन कोई चार्ज नहीं किया जाएगा, उनका इलाज वहाँ भी पूरी तरह से निःशुल्क। मेरा नाम डॉक्टर मेघा जैन है, मैं पुष्पांजलि डेंटल क्लिनिक से आई हूँ और यहाँ पे एक डेंटल कैंप लग रहा है। इसमें यहाँ पर हमारे पास टूथपेस्ट है जो कि सेंसिटिविटी के लिए, दांतों में झंझनाहट जो होती है उसके लिए इसमें फ़र्क पड़ता है, और ये माउथ वॉश है, इसको टूथपेस्ट के बाद यूज़ करना होता है, पानी में एक ढक्कन डाल के, इससे जितनी भी झंझनाहट है, गंदगी है दांतों की, वो साफ हो जाती है। और ये है पेंट है, ये जेल है, जिसमें भी जितने छाले होते हैं इसमें अगर उसको लगाएंगे तो उसमें फर्क पड़ता है। दांतों की सफाई बहुत ज़रूरी है, सुबह शाम आपको 2 बार ब्रश करना है, सुबह 1 बार अगर आप ब्रश करेंगे तो उससे आपकी जितनी भी गंदगी है, सब दर्द है, सब दूर हो जाता है। सफाई दांतों की बहुत ज़रूरी है, आपको 1 बार कम से कम 6 महीने 1 साल में सफाई करानी चाहिए। कैंप लगाया है, अच्छा है, जनता की सहायता हो रही है, चौधरी जी बहुत अच्छे हैं, अनिल चौधरी जी, और दवाई भी दी है हमें, आँखों का चेकअप हुआ है, आँखों में हमें